तो स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स बड़ी शानदार तरीका से, जो आपका 9 लेसन मैथमेटिक्स में उसका फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक। हम उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपको बता चुके हैं कि उन्नयन यानी कि ऊपर अगर देख रहे हैं और नीचे कोण बन रहा है तो उसे उन्नयन कहते हैं, और अगर तुम कहीं से ऊपर से देख रहे हो, ऊपर से जो कोण बनेगा उसे अवनमन कोण कहते हैं। तो अगर वो समझ में आ गया होगा और ट्रिक समझ में आ गया हो तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखो यहाँ कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार है, सर्कस देखे हो ना, अब जब सर्कस देखने जाते हो तो एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, यानी कि उस पर चढ़ रहा है। मान लीजिए कि एक सर्कस है और उस पर लड़का एक डोरी पर चढ़ रहा है, 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। एक चीज आपको इसमें कॉमिक पॉइंट बताते हैं, पता है क्या, इसमें सिर्फ एक ही टाइप का त्रिभुज बनेगा। याद रख लीजिए, सिर्फ पूरे लेसन में एक ही टाइप का त्रिभुज बनेगा और उस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण, जो 90 डिग्री का होता है। याद रखिएगा 90 डिग्री का, इसे हमेशा कर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। इसे कैसे भी हो, इस तिरछे वाले लाइन को कर्ण, इसे बोलेंगे लंब और इसे बोलेंगे आधार। बस रट लीजिए कि सिर्फ समकोण त्रिभुज बनेगा, यानी कि राइट एंगल बनेगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। ये दिमाग में बैठा लीजिए। तो यहां देखिए, एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई एकदम टाइट फिटिंग है, ठीक है। और भूमि पर सीधे लगे खंभे और जमीन पर एक खंभा लगा हुआ है और उसी पर बंधा हुआ है, खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोरी द्वारा, यहाँ पे ये वाला समझने वाला पॉइंट है, ये वाला, ठीक, ध्यान से समझिएगा इसी को। कह रहा है कि एक, सबसे पहले तो एक खंभा ऐसे है और जमीन से, ये मान लीजिए कि ये जमीन हो गया, जमीन से, और यहाँ पे क्या लिखा है कि खंभा के शिखर पर ये तना हुआ है। किस पर तना हुआ है? शिखर पर। और यहाँ देखिए, भूमि के स्तर यानी जमीन का स्तर और डोरी द्वारा, यही ना डोरी है, इसके द्वारा एक कोण बना है, जो कोण कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का है। समझ में आया? अगर ये क्वेश्चन कहता कि यहाँ पे खंभे का शिखर और डोरी द्वारा, तो यहाँ पे कोण बनता, लेकिन बोला है कि भूमि का स्तर और यहाँ पे डोरी के बीच में कोण जो बना है वो कितना है? 30 डिग्री है। और आप बताइए, ये वाला बोला है रस्सी की लंबाई दे दिया है कितना, 20 मीटर। ये इसी पर ये लड़की या लड़का जो भी है, इस पर कलाकार वो चढ़ रहा है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि खंभे की ऊंचाई निकाले, ये निकालना है। सिंपल है, आपको ट्रिक बताए थे ना, जो दिया है उसका नाम लिखो और जो निकालना है उसका नाम। क्या दिया है? इसे बोलते हैं हम लोग कर्ण। कर्ण दिया है, कितना दिया है? 20 मीटर, ठीक। और निकालना क्या है? लंब निकालना है, लंब निकालना है, ठीक है। इसका नाम देना है तो दे दो ए बी सी। इस रिश्ते का क्या नाम दे? ए बी सी, जिसमें हमारा लंब, लंब यानी कि क्या दिया है? ए बी बराबर निकालना है, ये ना निकालना है। चलिए, नहीं पता है तो क्या मान लीजिए, एक्स। आप बताइए, कर्ण दिया है, लंब निकालना है, कर्ण और लंब किस फॉर्मूला में आता है? कोई ऐसा फॉर्मूला है? तो दो ठो फॉर्मूला है, एक साइन में आता है लंब बटा कर्ण और एक कोसेक में आता है कर्ण बटा लंब। दोनों में से किसी फॉर्मूला से बना लीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे में कर्ण होता है, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होता है। इंग्लिश में इसे यही बोलते हैं, ठीक। लंब यानी लंब हमको नहीं पता है, तो नहीं पता है तो छोड़ो यार, साइन थीटा कितना डिग्री है? 30 डिग्री। लंब नहीं पता है तो खाली लंब ए बी यानी एक्स मान लो, और कर्ण कितना दिया है बाबू? तिरछा वाला कर्ण 20 दिया है। साइन 30 का मान होता है 1/2, एक्स बटा ये हो जाएगा 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर ये काट दीजिए, 2 दहिया 20, तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो 10। एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 10। बताइए लंब क्या माने हैं आप? एक्स माने हैं, तो लंब बराबर आ गया 10, यानी कि खंभे की ऊंचाई कितना मीटर हो जाएगा? 10 मीटर। तो ये समझ में है? अगर जो दिया रहेगा एक बार वो नाम लिख लो, ठीक, और जो निकालना है वो नाम, फिर ये दोनों को देखो कि ये किस फॉर्मूला में ये नाम दोनों आता है, ठीक है। अगर आप कोसेक से भी निकालते ना, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब से, तो भी बाबू आपका उतना ही आंसर आता है, ये 10 ही आंसर आता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग बिना देर के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन अभी बाकी है और आपको मैथ में टॉपर बनाना है तो मेहनत थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो बिना देर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब यहाँ सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, गौर से समझिएगा। कह रहा है कि आंधी आता है, देखिए आंधी पानी वगैरह आता है, तो आंधी आता है तो एक पेड़ टूट जाता है, और वो टूटा कैसे है, मतलब बीच में से टूट जाएगा। तो आप जानते हैं कि जब भी पेड़ टूटेगा तो जमीन पर गिरेगा, तो जब जमीन पे गिरता है ना तो समकोण त्रिभुज जैसे गिरता है। मान लीजिए कि एक पेड़ हो गया, यहां से अगर ये जमीन है, ये क्या है? जमीन है। और यहां से अगर टूट के ऐसे गिरेगा तो ऐसे ही ना गिरेगा, जमीन को छुएगा, ऐसे करेगा, ऐसे टूट के गिर जाएगा। तो कितना डिग्री कोण बनाता है? यहां पे देखिए, तो यहां देखिए, आंधी आने से एक पेड़,
आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को, पेड़ का जो ऊंचाई वाला हिस्सा था वो किसको छूने लगा अब, जमीन, क्योंकि टूटेगा तो यही ना हिस्सा यहाँ गिरेगा, जो लंबा ऐसे पेड़ था यही हिस्सा कहाँ गिरेगा, नीचे गिरेगा, तो वो जमीन को क्या करने लगता है, छूने लगता है, तो इस तरह से कोण बनाएगा। इसके बाद बोला है कि जहाँ पे कोण बनाता है वहाँ 30 डिग्री का कोण बनता है, कितना डिग्री का कोण, जहाँ जमीन को छुएगा तो ये जमीन और यहाँ इसके पेड़ का शिखर, शिखर अब पेड़ का ही है क्योंकि टूटने के बाद यही हिस्सा हो गया है, ठीक, 30 डिग्री का कोण बनाता है। आगे कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, समझिएगा पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यानी कि जो पेड़ है ये, इसके पैर की दूरी, पाद बिंदु यानी नीचे की दूरी, पेड़ के पास की दूरी, पेड़ के शिखर जो टूटा है इसके बीच की दूरी दे दिया है 8 मीटर, कितना मीटर दे दिया है 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई निकालना है कि शुरू शुरू में पेड़ कितना ऊंचा था, पेड़ की पूरा ऊंचाई, तो थोड़ा देर के लिए समझिएगा। मान लीजिए आधार दिया है तो हम क्या निकाल सकते हैं, लंब निकाल सकते हैं, समझ में आए, जब आधार दिया है तो ये जो निकालना है ये निकाल लेंगे, उसके बाद से आधार दिया है तो कोण भी निकाल सकते हैं। अगर हमको ये लाइन पता चल जाए 4 मीटर है, अगर ये वाला लाइन पता चल जाए 3 मीटर है, तो मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, तो जब इस पेड़ को ऐसे सीधा कीजिएगा तो शुरू शुरू में यही ना टूट के नीचे गिरा था, तो फिर इसको सीधा कीजिएगा तो 3 और 4 पूरा पेड़ शुरू में कितना लंबा था, 7 मीटर था, तो पहले ये लंब पता कर लेते हैं, फिर कण और फिर दोनों को जोड़ देंगे, तो आराम से पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा, सिंपल। तो क्या करेंगे, यहां देखिए पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई का बात करें तो यहां से हम मान लेते हैं कि ए बी सी डी, अच्छा से समझिएगा, ठीक है, ए बी की ऊंचाई को कुछ मान लेते हैं, ए बी बराबर, ठीक है, हम पूरा ए से सी मानते हैं एच, ए सी बराबर क्या क्या मिलके बना है, ए बी और प्लस बी सी मिल के ए सी बना है, जो कि पूरा ऊंचाई हमारा है एच, यानी कि पूरा पेड़ की ऊंचाई एच है। बी से सी हम बी सी को मान लेते हैं एक्स, अपने से कुछ भी मान सकते हो एक्स, चाहे कुछ नहीं मानिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। और हम बात करते हैं त्रिभुज ए, हमको निकालना है ये वाला, तो हमको क्या क्या दिया है, थोड़ा सोचिए तो बाबू, हमको दिया है आधार और निकालना है लंब, तो आप बताइए कि आधार और लंब ये किस फॉर्मूला में आता है, तो ये तो दो फॉर्मूला में आता है ना, एक टेन के फॉर्मूला में और एक कॉट के फॉर्मूला में, तो कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है ना, इस त्रिभुज में टेन थीटा का यूज करेंगे। आपको पता चला टेन थीटा क्यों, क्योंकि आधार दिया है और निकालना हमको लंब है, तो आधार और लंब, चाहे लंब और आधार किस फॉर्मूला में आता है, टेन में आता है और कॉट में आता है, तो दोनों फॉर्मूला से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए लंब कितना है बी सी, बी से सी लंब है, और आधार कितना है सी डी या डी सी, टेन, थीटा का मान कितना डिग्री दिया है 30 डिग्री दिया है, ठीक, बट्टा बी सी हमको नहीं पता है, लेकिन सी डी तो पता है ना, 8 मीटर है, 8 ही मीटर है शायद, मे भी यहीं पे 8 मीटर है, इसका मान होता है 1/√3, और ये हो जाएगा आपका कितना बी सी बट्टा 8 मीटर मत दो, ठीक है, तिरछा तिरछी गुणा करोगे तो हो जाएगा 8/√3 बराबर में हो जाएगा बी सी, बी सी का मान कितना आ गया 8/√3। अगर चाहो तो इसका परमेकरण कर सकते हो, इसका क्या कर सकते हो, परमेकरण, परमेकरण का मतलब क्या होता है, जब नीचे रूट होता है तो सेम लिख देते हैं, लेकिन अभी आप इसको रहने दीजिए, ठीक। हमको क्या निकल गया, ये निकल गया 8√3। अब बताइए हमको चाहिए पूरा पेड़ की ऊंचाई, यानी अब यहां से यहां ऊंचा निकालेंगे तो यही ना पेड़ टूट के ऐसे गिरा है, तो इसकी लंबाई चाहिए इसकी लंबाई, दोनों की लंबाई तो बराबर ही होना है, ठीक है, तो ये वाला अब निकालना है। हमको आधार पता है, कण निकाल लो, लंब पता हो गया तो भी ये निकल जाएगा, दोनों से निकल जाएगा, तो इससे आसानी से निकलेगा, क्योंकि हमारे पास नंबर 8 है, थोड़ा ये रूट वाला है तो फंसने की संभावना रहेगा, आप एग्जाम में फंस जाइएगा। तो आधार पता है और निकालना है कण, तो क्या कीजिएगा, आधार और कण किस फॉर्मूला में आता है, वो आता है कॉस थीटा बराबर होता है लंब बट्टा, सॉरी आधार बट्टा कण, कॉस थीटा का मान है 30 डिग्री और बराबर, यहां देखिए आधार कितना है 8 है और कर्ण कितना है नहीं पता है, तो यही डाल दीजिए BD, ठीक, ये हो जाता है √3/2, 8 हो जाएगा और बट्टा में हो जाएगा कितना BD, ठीक है, ये वो तिरछा तिरछी गुणा कीजिए तो 8 × 2 = 16 और ये √3 BD, √3 BD बराबर 8 × 2 = 16, इसको बट्टा में भेज दिए तो B से D बराबर हो जाएगा 16/√3। अब क्या निकल गया, ये वाला निकल गया BD कितना निकल गया 16/√3। आप बताइए
ए बी और बी डी दोनों बराबर है कि नहीं, दोनों बराबर, क्योंकि यही टूटा था तो नीचे झुका था, फिर सीधा करोगे तो क्या हो जाएगा, वही आ जाएगा। यानी इसकी भी हो सकता है, इसकी भी हाइट कितना हो जाएगा 16√3। हमको पेड़ की पूरा ऊंचाई निकालना है, तो ये और ये जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा शुरू में पेड़ कितना ऊंचा था। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई कितनी हो जाएगी, पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई जोड़ दीजिए ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना है, ए बी है 16√3 प्लस बी सी कितना है 8/√3। ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 16 + 8, 16 और 8 = 24√3। और जब भी नीचे रूट आता है तो इसका परमेकरण करते हैं, रेशनलाइजेशन, तो हो जाएगा 24√3/3, 3 × 8 = 24, 8√3 मीटर आपका संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आएगा, और समझ में आएगा भी बाबू, क्योंकि होता मैथ का जो लैंग्वेज समझ गया ना, कि देखिए मैथ क्या है, आप अगर घूम रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं या इधर उधर जा रहे हैं, तो हर जगह मैथ चलता है बाबू, हर जगह मैथ आपसे बातें करता है, लोग आपसे मैथ में बातें करते हैं, ठीक है। तो ये समझिए कि मैथ वही तो है, कितना ईजी वे में आप अगर क्वेश्चन को समझ गए तो आराम से आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत शानदार है और ये छोटे छोटे बच्चों वाला, थोड़ा एकदम छोटे बच्चों वाला ही है। देखिए यहां पे क्या क्वेश्चन कह रहा है समझिएगा, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर। यहां एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाती है, क्या करती है, लगाना चाहती है, समझिएगा। एक ठेकेदार है जो फिसल पट्टी समझते हैं, देखना सरकारी वगैरह स्कूल में बच्चा को स्लिप करने के लिए ऐसे फिसल पट्टी बनाया जाता है, जिससे यहां पे बच्चा चढ़ता है और ऊपर से ऐसे स्लिप कर जाता है। तो 2 गो बनाया गया, अब 2 गो क्यों बनाया गया, तो एक छोटे बच्चे के लिए होगा, एक बड़े बच्चे के लिए होगा, यही तो हो सकता है ना। आप बताइए थोड़ा देर के लिए कि स्लिप किस पर करता है बच्चा, इस पर करता है, तो ये हो गया आपका फिसल पट्टी, ये क्या हो गया फिसल पट्टी, यानी फिसलने वाला बच्चा स्लिप करेगा, बैठेगा या तो सर नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये बड़ा है तो बड़ा बच्चे के लिए अलग बनाया गया है, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा बना दे रहे हैं। 2 फिसल पट्टी बनाया गया, तो इसका मतलब कि 2 गो इसका आंसर आएगा, अब समझिएगा ध्यान से, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक फिसल पट्टी लगाना चाहती है, जिसका शिखर, ये 5 वर्ष से कम छोटे बच्चों के लिए ये वाला है, अब 5 वर्ष से ज़्यादा बच्चों के लिए ये वाला फिसल पट्टी है, ठीक है। और फिसल पट्टी की ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई, जितना ऊंचा रहेगा उतना ऊपर ऊंचा से ना नीचे गिरेगा जी, मान लीजिए कि ये और ऊपर जाता तो यहां से स्लिप करके नीचे आता, तो छोटे बच्चों के लिए ऊंचाई कितना है 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर, और बड़े बच्चों के लिए कितना है, और यहाँ 30 डिग्री का कोण बनाता है, कितना डिग्री 30 डिग्री। और अगला है जो बड़े बच्चों के लिए है, ये पूरा 3 मीटर है, ये 1.5 मीटर है, ये पूरा 3 मीटर है, ठीक है। और वो कितना डिग्री पर झुका हुआ है, 60 डिग्री पर। तो यहां अगला इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि फिसल पट्टी की कितनी लंबाई, क्या लंबाई होनी चाहिए, क्वेश्चन क्या बोला है कि 2 फिसल पट्टी बच्चा को स्लिप करने वाला है, जिस कितना ऊंचा है, 1.5 मीटर ऊंचा है और ये 3 मीटर ऊंचा है, इस पर 5 वर्ष से कम का बच्चा स्लिप करेगा, इस पर 5 वर्ष से ज्यादा वाला बच्चा यहाँ चढ़ेगा और ऊपर से नीचे स्लिप करेगा। तो फिसल पट्टी दोनों की लंबाई निकालना है, ये कितना लंबा है और ये कितना लंबा है, दोनों निकालना है। तो इसका नाम अगर रखे ए बी सी, तो हमको यहाँ ए सी निकालना है, यहाँ पे डी ई एफ, और यहाँ हमको निकालना है। तो आप थोड़ा देर ये डायरेक्ट ही बना सकते हैं, कैसे, लंब दिया है, आपसे बोले थे ना कुछ ट्रिक याद है, एक जो देगा वो और एक जो निकालना होगा, इसी को फिसल पट्टी, क्योंकि बच्चा इस पर तो स्लिप नहीं करेगा ना, इस पर नहीं धब दे गिर जाएगा नीचे, ऐसा नहीं होता है, ये बाबू इस पर स्लिप करेगा, तो इसकी लंबाई निकालनी है। तो लंब दिया है और कर्ण निकालना है, इसमें भी लंब 3 दिया है, कर्ण निकला है, तो लंब और कर्ण किस में आता है, साइन थीटा में आता है, सिंपल, ठीक है। तो लंब और कर्ण, यहाँ लंब दिया है, कर्ण निकालना है, ये दोनों नाम साइन थीटा में आता है, लंब बटा कर्ण, और कॉसेक थीटा में आता है, तो दोनों में से कोई फॉर्मूला लगा लीजिए। सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए फिसल पट्टी की लंबाई, इसको मान लेते हैं हम लोग एक्स और इसको मान लेते हैं हम लोग वाई, तो ऐसे ही लिख देते हैं, माना कि 5 वर्ष से कम के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई कितना x मान लेते हैं, और यहाँ पे 5 वर्ष से ज़्यादा
उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई वाई, वो बाप की बात है, एक्स और वाई माने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको मान लो एक्स, इसको मान लो वाई, आपको निकालना है इसकी लंबाई और इसकी लंबाई। चलो इस त्रिभुज में लंब दिया है, कर्ण निकालना है, तो लंब जो दिया है एक बार वो नाम लिख लो, लंब जो निकालना है वो लिख लो कर्ण, और ये लंब कर्ण किस में आता है, साइन थीटा में आता है, साइन थीटा इसी फॉर्मूला में आता है, इसीलिए यहाँ साइन थीटा उपयोग करेंगे। और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा का मान है 30 डिग्री, लंब कितना है 1.5, कर्ण कितना है x, ये हो जाएगा 1/2 साइन, कितना साइन 30 का मान आता है 1/2, और ये हो जाएगा आपका 1.5 बराबर x, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x ये हो जाएगा 1.5 × 3 मीटर। छोटा वाला के लिए फिसल पट्टी की लंबाई हो गया 3 मीटर। अब बड़ा वाला के लिए निकाल लीजिए, यहाँ डाल दीजिए, कौन सा त्रिभुज का बात कर रहे हैं, ए बी सी वाला त्रिभुज ए बी सी में। अब बात कर रहे हैं हम बड़ा वाला लड़का के लिए, त्रिभुज डी ई एफ में, इसमें बात कर रहे हैं, तो इसमें देखिए लंब दिया है 3, अब पूछा है फिसल पट्टी ये कितना बड़ा होगा जो बच्चा स्लिप करेगा, तो लंब कोण आता है साइन थीटा में, तो वही फॉर्मूला साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टा में कर्ण, इज इट क्लियर। अब लंब कितना है, लंब बाबू यहाँ पे देखिए, पहले साइन थीटा यहाँ 60 डिग्री है, लंब कितना है बाबू आप खुद देखिए, तो लंब है 3 मीटर, कितना है ये 3 मीटर है, आपको डीपली समझ में आ रहा होगा। और कर्ण कितना है, कर्ण है वाई, ठीक है। अब ये साइन 60 का मान होता है √3/2, आपको ट्रिक याद है ना वही, और यहाँ पे 3/y, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा √3y, और ये 3 × 6 ये हो जाएगा y बराबर 6/√3। आज जब भी कभी भी नीचे रूट देखेगा ना बाबू, बड़ी आसान है, पर में करण कर दीजिएगा, रेशनलाइजेशन, √3 × √3 दो बार गुणा भाग कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 6√3, और 3 × 3 = 9, और 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 3 × 2 = 6, स्क्वायर रूट होता है ना जी 2√3 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि इस फिसल पट्टी की लंबाई कितनी है, 3 मीटर है, और इस फिसल पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर है। तो ये बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये समझ में आया होगा, ये वाला फिसल पट्टी। तो यहाँ लिख सकते हो लैंग्वेज में कि 5 वर्ष से कम वाले बच्चों, उम्र वाले बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई 3, और 5 वर्ष से ज़्यादा के लिए फिसल पट्टी की लंबाई क्या हो जाएगा 2√3। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करते हैं कि आपको टोटल चीज़ें समझ में आया होगा, ठीक है। ये बहुत आसान तरीके से देखिए, ये भारी नहीं होता है, बहुत आसान होता है। एक ही चीज़ आपको याद रखना है, वो क्या करना है, आपसे हम बोल रहे हैं क्या याद रखना है, सबसे पहले जो दिया रहेगा एक बार उसको नोट कर लो, और जो निकालना है उसका नाम क्या है, लंब है कि आधार है, अब वो दोनों चीज़ देखो कि कहाँ आता है, और वो फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो। बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन तो बाबू और आसान है, ये तो चुटकियों में बना दोगे, बताएं क्यों बना दोगे, क्योंकि इसमें आपको निकालना है, आप बताइए ये पूरा का पूरा 9 लेसन जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जो आप त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं इसका मतलब पहले समझ लीजिए। सबसे पहले इसमें तो किसी भी चीज़ का ऊंचाई वगैरह निकालना है, या तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई निकालना है, और कैसे निकालिएगा, तो एक जो दिया हमेशा एगो रहेगा, हमेशा दिमाग कुछ ना कुछ दिया रहेगा, वो एक बार लिख लीजिएगा, वो लंब है कि आधार है कि कर्ण, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस क्या है उसको लिख लीजिएगा, उसके बाद देखिए क्या निकालना है, और वो जो दोनों नाम मिलेगा ना, मान लीजिए किसी में लंब दिया है आधार निकालना हो, तो बताइए लंब और आधार किस फॉर्मूला में है, डायरेक्ट दिमाग जाना चाहिए टेन और कॉट में आता है, तो दोनों में से किसी फॉर्मूला पर वही फॉर्मूला लगेगा। अब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कैसे पता चलेगा कि साइन थीटा लगाएं, कैसे पता चलेगा कि कॉस थीटा लगाएं, डायरेक्ट लगा दीजिएगा। ये 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या कह रहा है, 4 नंबर कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, समझिएगा यहाँ पे, समझिएगा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई निकाला। कह रहा है कि जमीन के एक बिंदु से, मीनार माने होता है कोई भी ऊंचे चीज को मीनार कहते हैं, तो जमीन के एक बिंदु से मीनार का पाद बिंदु, पाद बिंदु का मतलब होता है पैर की बिंदु, ठीक है, नीचे वाला पॉइंट का बात कर रहा है, जमीन से कहीं ये मीनार कितना दूर है, यहाँ से यहाँ 30 मीटर है, कितना मीटर है, 30 मीटर ऊंचा है, और क्या बोला है, तो बोला है यहाँ पे, और ये जो यहाँ से एंगल बनाएगा वो कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो बोला जा रहा है कि यहाँ मीनार की ऊंचाई निकले, ई वाला निकालना है, ए
बी सी। क्वेश्चन समझ में आया, यानी कि कह रहा था कि जमीन के एक बिंदु से, मान लीजिए कि ये जमीन का बिंदु है, आप कुछ दूर जाएंगे जहाँ पे खूब ऊंचाई पर मीनार एक है, बहुत ऊंचा मीनार गया है, तो आप कुछ दूरी पर ना खड़े रहेंगे, तो कितना दूरी पर खड़े हैं, 30 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। अब बोला है बताइए कि आप तो खड़े हैं 30 मीटर की दूरी पर, तो बताइए मीनार कितना ऊंचा होगा। तो क्या दिया है, आधार दिया है और लंब पूछा है। आप बताइए कि ये जो लंब और आधार वाला मामला है ये किस फॉर्मूला में आता है। तो याद रखिए ना कि जब लंब और आधार टेन थीटा और कॉट थीटा के फॉर्मूला में आता है ना, वही भर दीजिए, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला टेन थीटा बराबर, सबसे पहले बात कीजिएगा त्रिभुज ए बी सी, पहले ऊंचाई को ऐसे मान लीजिए, माना कि मीनार की ऊंचाई क्या मानिएगा, एक्स, ये तो कन्फर्म हो गया ना। अब बात कीजिए त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा में आधार, टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री पर झुका है ना, 30 डिग्री। लंब कितना हो जाएगा, वो सिंपल है ना, लंब कुछ नहीं है, एच है, वही तो निकालना है, आधार हो जाएगा 30, टेन 30 का मान होता है 1/√3, ये हो जाएगा एच बट्टा 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा, ये डायरेक्ट देखिए ये हो जाएगा 30, एच निकालना है तो एच को इधर रख दीजिए, सिर्फ इसको भेज दीजिए, क्योंकि जिसका वैल्यू निकाला जाता है उसको अलग रखते हैं, ये चला जाएगा गुणा में, हो जाएगा 30 नीचे √3h, एच आपका इतना ही आएगा, कितना 30√3। लेकिन जब भी नीचे रूट रहता है इसका परमेकरण करते हैं, यानी रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन होता क्या है, तो यही चीज को दो बार लिख देना परमेकरण कहलाता है, ठीक है। ये उतार दिए, ये गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 30√3, और ये देखिए 3 × 9, रूट में ना हुआ, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, ये कटाइएगा तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10√3, यानी कि मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10√3 है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना बहुत आसान, बहुत आसान है, आप पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। एक जो दिया रहेगा वो नाम देखिए कि ये क्या है, और जो निकालना होगा वो, और बस वही फर्म देखिएगा किस में आता है, ये दोनों नाम और फॉर्मूला लगा देना है। समझ में आया होगा तो एक बार लाइक के बटन को जरूर दबाइएगा, और फिर बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब यहाँ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5, ये तो बहुत आसान है। अच्छा, आप कभी पतंग उड़ाए हैं, पतंग उड़ाते हैं तो कैसे उड़ाते हैं, सीधा ऐसे उड़ाते हैं कि तिरछा उड़ाते हैं, तिरछा उड़ाते हैं ना, ऐसे तिरछा दिखती है पतंग, ऐसे तिरछा होता है, जो धागा होता है जो उसमें धागा, वो तिरछा ऐसे जाता है, ठीक। आप जमीन पे खड़े रहते हैं तो इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है कि मान लीजिए पतंग ऐसे उड़ रहा है तो यहाँ पे उड़ के गया है तो जमीन से कितना ऊपर होगा, ठीक है। यानी ये दे देगा आपको डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई का मतलब हो जाएगा कर्ण हो गया, तिरछा जाएगा तो, और निकाल देना यहाँ पे लंब, ऐसे कुछ क्वेश्चन देता है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि भूमि से यानी जमीन से, ठीक है, 60 मीटर ऊंची पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। यानी कि मान लो कि ये जमीन हो गया नीचे वाला, और यहां से 60 मीटर ऊंचा एक पतंग उड़ रही है, क्या उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, ये समझ में है। जमीन से 60 मीटर ऊंचा, 60 मीटर ऊंचा एक पतंग उड़ रही है। आगे क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से कहीं बांध दिया गया। मान लीजिए कि डोरी तो यहाँ से जाएगा ना, तो यहाँ से कहीं जमीन पे इसको ऐसे कहीं पे भी बढ़ा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे एक बार देखना, बहुत लोग पतंग को उड़ा करके आए, यहीं पे जमीन पे ही उसको बढ़िया से रख देते हैं, बांध देते हैं, और वो आराम से उड़ते रहते हैं। तो आराम से उड़ा करके ऐसे, ठीक है, और जमीन पे कहीं बांध दिया गया और यहाँ से देखा गया तो ये 60 मीटर ऊंचा है। इसको ऊंचाई मत कहना, ठीक है, ये डोरी की लंबाई है, जिसको तिरियक ऊंचाई, तिरछा वाला ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे कह रहा है, और ये जो डोरी है ना, यहाँ पे बोल रहा है कि भूमि के साथ, जमीन के साथ, यही ना भूमि है, ये क्या है आपका, भूमि है, भूमि के साथ और डोरी के बीच में 60 डिग्री का झुकाव है,
कितना डिग्री का झुकाव, ऐसे 60 डिग्री का झुकाव है, ठीक है। यह मान करके कि डोरी में कोई ढील नहीं है, बहुत तनी हुई है, एकदम टाइट डोरी है, तो ये बोल रहा है डोरी की लंबाई निकाले। क्या बोल रहा है? डोरी की लंबाई निकाले। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक पतंग है जो जमीन से 60 मीटर ऊंची है, और इस पतंग की डोरी को कहीं बांध दिया गया है, और वो 60 डिग्री जमीन और डोरी के बीच 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो डोरी की लंबाई यानी ये कण है, क्या है? ये कण है, और दिया क्या है? लंब। तो लंब और कण किस फॉर्मूला में आता है? तो पता है ना किस फॉर्मूला? साइन थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी। डायरेक्ट यहां लिखते हैं, माना कि डोरी की लंबाई बराबर हो जाएगा एल, मान लेते हैं लंबाई को एल से डिनोट करते हैं, तो एल मान लेते हैं, ठीक है। अब डोरी की लंबाई एक तरह से ये क्या है? कण है, कण ना है। और दिया क्या है आपको? लंब। लंब कितना दिया है? 60 मीटर। कितना है? जमीन से वो 60 मीटर ऊंचा है। तो लंब और कण किस में आता है? त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी का ही तो बात हो रहा है ना। लंब आता है साइन थीटा में। लंब साइन थीटा बराबर क्या आता है? लंब बटा कण। ये हो जाएगा एक तरह से कण जो लंबाई होता है, और ये लंब हो गया। साइन थीटा का मान हो गया 60 डिग्री, लंब दिया है 60 मीटर, कण नहीं पता है, तो एल माने हैं, एल मान लेते हैं, ठीक है। इसका मान होता है रूट थ्री बाई टू और 60 बटा एल। तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा रूट थ्री एल बराबर 60 दुना 120। इसको बट्टा में भेज दीजिए तो हो जाएगा 120 बट्टा में रूट तीन। और जब भी नीचे रूट आए तो दो बार लिख देना है इसको, रेशनलाइजेशन यानी परमेकरण। तो हो जाएगा गुणा करने के बाद 120 रूट तीन, और तीन तरीका कितना होता है ये? नौ, नौ का वर्गमूल तीन, कटा दीजिए, तीन चौका 12 40, 40 रूट तीन। क्या हो गया? डोरी की लंबाई। तो नीचे लिख सकते हैं डोरी की लंबाई 40 रूट तीन, सिंपल। ये वाला कितना हो जाएगा? 40 रूट तीन हो जाएगा। तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, और उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अरे समझ में आएगा, बहुत आसान होता है बाबू। देखिए ये त्रिकोणमिति में सबसे आसान टॉपिक हमको तो यही लगता है, और स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट हैं उन लोगों को भी, बाबू लोगों को लगता है कि यही आसान है, क्योंकि इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। क्या लगाना है? सबसे पहले एक ठो दे देगा, बोलेगा एक निकालिए, तो देखो ना कि जो दिया है वो लंब है कि आधार है कि कण है, ठीक है, नहीं कि परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, या फिर बेस है, क्या है वो दिया है, जो निकालना है वो, और ये दोनों नाम किस फॉर्मूला में आता है, बस यही तो बता देना है, और बस फॉर्मूला लगाओ, एंसर पाओ। सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो फिर हम लोग बिना देर किए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा सा यहां समझिएगा ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक डेढ़ मीटर का लड़का है, डेढ़ मीटर समझ रहे, इतना बड़ा होगा मैंने थोड़ा सा बड़ा ही, ठीक। अब डेढ़ मीटर का यहां लड़का है, छोटुआ तो है कि डेढ़ मीटर का, यहां पे तो हम लिख दिए एक छोटुआ है, और ये एक बिल्डिंग को दिख रहा है, क्या कर रहा है? देख रहा है, नहीं देखा जाता है, वाह कितना ऊंचा बिल्डिंग है। तो यहां इस छोटुआ की लंबाई डेढ़ मीटर है, और कुछ दूरी पर 30 मीटर, मान लीजिए दोनों जमीने पर ना रहेगा, दोनों क्या रहेगा? जमीन, और बिल्डिंग भी जमीन पर ही रहेगा, ऐसा तो नहीं है कि हवा में रहेगा, ठीक है, ऐसे हो गया, ठीक। 30 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है, और छोटुआ की लंबाई कितनी है? डेढ़ मीटर। आप थोड़ा देर के लिए समझिएगा, जब ये शिखर को देखेगा, क्या करेगा? शिखर, तो यहीं से ना देखे, आपको बताए थे कोण कहां से बनता है, पहले कोई भी व्यक्ति सामने देखता है, फिर अगर कोई नीचे बुलाए तो नीचे देखेगा, और कोई ऊपर बुलाए तो ऊपर देखेगा। तो पहले कोई भी व्यक्ति सामने, तो पहले इस सामने वाला ऐसे मिला दे रहा है, ठीक, पहले सामने ही देखेगा। जब बोला कि इसका उन्नयन कोण, तो नयन को ऊपर करेगा, ठीक, और थोड़ी देर बाद जो ये लड़का है आगे बढ़ जाता है, 30 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। आप समझिएगा ध्यान से, 30 से 60 कैसे होता है ये समझना है। मान लीजिए कि एक त्रिभुज ऐसे हो गया, ठीक, आप बताइए कि अगर एक दीवार, कुछ देर के लिए दीवार है, और दीवार पर ऐसे सीढ़ी लगाए हुए हैं, आप क्या कर रहे हैं? ऐसे सीढ़ी लगाए, तो जब आप आगे बढ़िएगा, जब यहाँ से आप आगे बढ़िएगा, तो सीढ़ी और ऐसे सीधा होते जाएगा, नहीं, फिर यहाँ पे हो जाएगा, तो ये क्या हो रहा है? यहाँ देखिए तो कोण पहले छोटा है, फिर थोड़ा सा और फैल गया तो बड़ा हो गया, फिर थोड़ा सा और हो गया तो क्या हो गया? बड़ा। आगे बढ़ने पर यह क्या होता है? इसकी चौड़ाई ऐसे फैलते जाता है, तो कोण बढ़ते जाता है। तो पहले ये 30 डिग्री है, अब वो 60 डिग्री हो जाता है। यहाँ पे कितना डिग्री होता है? 60। इसका मतलब कि छोटुआ यहाँ से यहाँ चल दिया, यहाँ से यहाँ क्या हो गया? चल दिया है छोटुआ ऐसे, ठीक है, यहाँ पे आ गया है। चलो मान लो छोटुआ बना दिए। अब आगे क्वेश्चन इसमें कह रहा है,
बताइए कि भवन की ओर कितनी दूर चला है, यहाँ से यहाँ चला है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक चला है, तो इसकी दूरी निकालना है कि यहाँ से यहाँ कितनी दूर चला है। पहले 30 डिग्री पर था, आगे बढ़ गया तो और ये फैल गया तो 60 डिग्री हो गया, तो कितना इसकी लंबाई निकालना है। अरे सबसे आसान है बाबू, ये देखिए ना, आपको ये निकालना है ना। एक बात बताइए, इस त्रिभुज को देख रहे हैं, ये भी एक त्रिभुज है और ये भी, दोनों एंगल वाला त्रिभुज बन रहा है कि नहीं। अब आप गलती कहाँ करेंगे, आप त्रिभुज इसको मत मानिएगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज थोड़े है, आप बताइए त्रिभुज मानिएगा, आप यही मिस्टेक करेंगे। सर एक बार ही ले लेते हैं, एक बार ही नहीं बाबू, हमेशा 90 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज होना चाहिए। एक बार पूरा लीजिएगा ठीक, और एक बार आधा लीजिएगा, और हमेशा इस ऐसे क्वेश्चन में टेन थीटा ही लगता है, दिमाग में बैठा लीजिएगा ठीक है। तो पहले इसका नाम रखते हैं ए बी सी डी, इसका नाम ई, इसका नाम एफ। अब कहिएगा सर ई काहे लिए नाम रख दिए, सुनिए, पूरा भवन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर है ठीक, लेकिन अगर ए से बी तक की बात करें तो ये वाला कितना है भाई, पूरा ए से बी तक नहीं है 30, ए से लेकर ये जमीन है, ये वाला भूमि है, क्या है बाबू भूमि है, और भूमि से 30 मीटर ऊंचा है, तो बताइए भूमि से छोटुआ भी तो 1.5 मीटर है, लेकिन क्या यहाँ से देख रहा है वो, कि यहाँ से देख रहा है, ऐसा नहीं कि जमीन पे ऐसे सर रख के देख रहा है बाप रे कितना ऊंचा है, ऐसा नहीं बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता है ठीक है। तो यहाँ से नहीं देख रहा है वो, कहाँ से देख रहा है, ऊपर से देख रहा है, तो हमको सिर्फ इस त्रिभुज से मतलब है, नीचे का हाइट से हमको क्या मतलब है। तो पूरा था 30, छोटुआ का हाइट वाला साइज घटा दो, 1.5 घटा दो, तो ए बी कितना बच जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं पूरा ए ई, ए से ई था 30, कितना था 30 था, पूरा ए ई कितना था, ए से ई 30 था, हमको निकालना का है ए बी कितना होगा, तो ए बी आपका हो जाएगा पूरा 30 में से ही छोटुआ का हाइट हुआ 1.5 मीटर घटा दो, 30 मीटर से 1.5 मीटर घटाइएगा तो हो जाएगा 28.5 मीटर। ये वाला यहाँ से यहाँ ए बी कितना हो गया, ए बी बराबर हो गया 28.5। अब हो गया लंब पता हो गया, आधार निकाल लीजिए, फिर ये लंब पता हो गया, पूरा आधार निकाल लीजिए। एक चीज दिमाग लगाएगा, अगर हमको पता है कि भाई पूरा अगर पता हो जाए, समझे 10 मीटर है, कितना मीटर है 10, और यहाँ से यहाँ दूरी है मान लीजिए 6 मीटर, तो भाई नहीं पता चल जाएगा कितना मीटर है, यही ना निकालना है कि यहाँ से यहाँ छोटुआ कितना दूर जाएगा। तो पहले पूरा आधार निकाल लेते हैं, पूरा त्रिभुज वाला में, फिर इस त्रिभुज से ए बी और सी से ये आधार निकालते हैं पूरा। अगर मान लो कुछ देर के लिए कि 10 आ गया, ई वाला आ गया 6, तो पूरा 10 में से 6 को घटा दीजिएगा तो ई वाला निकल जाएगा आराम से 4 मीटर। सर बोल दीजिए सर ये 4 मीटर है, तो यही काम करेंगे। पहले किसी भी त्रिभुज का बात करो, पहले छोटा वाला लेते हैं फिर बड़ा वाला लेते हैं, तो बात करते हैं हम त्रिभुज ए ए बी सी में, टेन थीटा ही लगाएंगे, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। टेन थीटा का मान कितना डिग्री है, थीटा का मान है यहाँ पे 60 डिग्री, लंब कितना है बाबू 28.5, और आधार कितना है, यहाँ देखिए आधार आपका कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, पहले इसका मान तो भर लीजिए, कितना होता है √3, और ये हो जाएगा 28.5 और बट्टा में बी सी। तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा बी सी बराबर 28.5 बट्टा में √3, इसका कर लीजिए परमेकरण ठीक है, ये हो जाएगा 28.5 और √3 बट्टा में 3, 3 × 9 = 3 कटाइए 3 से, हो जाएगा कितना 3 × 9 = 27, 1 × 27 = 28 28 + 1, और ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, यानी आ रहा है 9.5√3, आपका ये आ रहा है 9.5√3 ठीक है। अब बात करते हैं हम, ये तो निकल गया, पूरा वाला निकाल लेते हैं, क्योंकि लंब पता है यहाँ से यहाँ तक, आधार पूरा, ये पूरा पता हो जाएगा, इसमें से ये हटा देंगे तो पता चल जाएगा इसकी दूरी कितनी है, ये लड़का यहाँ से यहाँ जब गया है तो यहाँ से यहाँ कितना दूर है ठीक है, छोटुआ के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। तो त्रिभुज ए बी डी में इतना तो हो गया, ए बी डी में क्या करोगे, टेन थीटा वही फॉर्मूला, लंब, लंब मतलब ए बी, आधार पूरा का बात कर रहे हैं तो ए डी ठीक, टेन थीटा का मान है 30 डिग्री, लंब कितना है, तो लंब हो जाएगा आपका 28.5, और ये हो जाएगा ए डी, ए डी नहीं जी बी डी होगा,
बी से डी तक आधार का बात कर रहे हैं, तो बी डी हमको नहीं पता है, छोड़ देते हैं। इसका मान होता है रूट तीन और इसका होता है 28.5, ये तो दिया ही है। तिरछा तिरछी गुणा कर दो तो हो जाएगा बी डी बराबर 28.5 रूट तीन। अब थोड़ा दिमाग लगेगा, पूरा है 28.5 रूट तीन और इतना है 9.5, तो पूरा में से इसको घटा दीजिए, बच जाएगा आपका डीसी। कैसे निकलेगा यहाँ समझिएगा, क्या निकालना है, यहाँ से यहाँ जो लड़का गया है या लड़की जो भी गई है कितना दूर गई है आपको निकालना होगा। अगर डीसी तो क्या कीजिएगा, पूरा डीबी में से माइनस क्या कर दीजिएगा बीसी, यहाँ क्या हो जाएगा, पूरा है आपका 28.5 में से घटा दीजिए आप 28.5 रूट थ्री में से 9.5 रूट थ्री, बस कुछ नहीं करना है, 28.5 में से 9.5 यहाँ पे ऐसे घटा लीजिए, ये हो जाएगा जीरो। 18 में से 9 जाएगा 19 बचा, कितना बचा 19, रूट तीन है तो रूट तीन, ये क्या बच गया डी सी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आगे बढ़ा है तो इसके बीच की दूरी कितनी है 19 रूट तीन है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये भी बहुत आसान है, पूरा निकाल लिए, आधा निकाल लिए और घटा दिए, यही काम हर क्वेश्चन में करना है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आना तो कमेंट कीजिएगा, आपके हर एक डाउट को हम क्लियर करेंगे, टेंशन मत लीजिए। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत शानदार तरीका से समझ में आया होगा, तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अगला इस लेसन को कंप्लीट करेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।